नमस्कार जी, मैं आप सबका तय दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने राजा साहब के जाने पर जो उपस्थिति रामपुर में दिखाकर ये उनके प्रति प्रेम जताया, उसके लिए हम सब परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं बहुत समय से चाह रही थी कि आप लोगों से बात करूं, परंतु हालत ऐसी थी कि नहीं, मैं इस विषय पे बात करना मुझे संभव नहीं हो रहा था, पर बड़ी हिम्मत जुटाकर आज आपके सामने आई हूँ। आप सब जानते हैं कि राजा साहब का जाने का दुख केवल हम परिवार वालों को ही नहीं, परंतु समस्त भारतवासियों को, सभी कांग्रेस के जुड़े लोगों को और खास करके हिमाचल प्रदेश के हर वासी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का था, किसी भी पार्टी का था, किसी भी उम्र का था, सभी को बेहद दुख है इस बात का। और वाकई ही वो ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने हर व्यक्ति को इतना स्नेह, इतना प्यार जताया कि हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य आज हमसे छिन गया है, कोई हमारे परिवार का बाप तुल्य व्यक्ति चला गया है, अब हमें कोई आसरा देने वाला, सहारा देने वाला कौन होगा, ऐसा उनके मन में एक प्रश्न उठता है। इन्हीं बातों का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आज मैंने सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर आज आपके सामने खड़ी हुई हूँ, और मैं समझती हूँ कि मुझे भी आपके साथ इस दुख की घड़ी में जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, जितना दुख मुझे या परिवार वालों को है, उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा दुख आप सभी हिमाचल वासियों को है। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपने कभी भी अकेला महसूस नहीं करना, हम परिवार वाले आपके साथ सदा खड़े रहेंगे, चाहे वो विक्रमादित्य है, चाहे मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर भी आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि हम आज बेसहारा हो गए हैं, आज हम अनाथ हो गए हैं। ऐसा सुनकर मुझे भी बहुत दुख होता है, परंतु मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे दरवाजे, हॉली लॉज का दरवाज़ा आपके लिए सदा खुला रहेगा। जैसा राजा साहब के समय में था, वो कोई भी उनके दरवाजे पर रात या दिन कभी भी आए, वो हर दम उनको अटेंड करके भेजते थे, उनका दुख तकलीफ दूर करके उनको घर भेजते थे। जो आज लोग इस बात को याद करते हैं कि हमारे को राजा साहब ने हर व्यक्ति को कितना प्यार और कितना हमारे काम करके हमारे ऊपर उनके हजारों हजारों एहसान जुटे हुए हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आपने भी, जब भी आप किसी संकट में हो, कोई आपका दुख तकलीफ हो, कोई भी सहायता हमारी तरफ से आपको जरूरत हो, तो हम सदा आपके लिए खड़े हैं। और जैसा मैंने कहा कि चाहे आप हॉली लॉज जाएं, या चाहे व्यक्तिगत तौर से आप टेलीफोन पे बात करना चाहें या हमारे से संपर्क करना चाहें, आप कभी भी हमारे से खुले मन से बात कर सकते हैं, और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो भी हमारी तरफ से मदद हो, हम उसमें रात दिन आपके साथ खड़े हैं। मुझे पुनः आप सबसे निवेदन करना है कि इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं, और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम सदा सदा के लिए आप लोगों से जुड़ के रहेंगे, जो भी हमारे से संभव होगा वो हम खड़े होकर आपका दुख तकलीफ बांटकर उन दुख की घड़ियों को दूर करने का हर प्रयास करते रहेंगे। इसलिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, और जो मैं समझती हूँ कि आप जब रामपुर आए थे, आपने चाहा कि आप व्यक्तिगत तौर से हमें मिलें, परंतु भीड़ को देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए जो वहाँ पर स्थिति थी, शायद ऐसा हुआ होगा कि मैं आपसे मिल नहीं पाई या विक्रमादित्य आपसे मिल नहीं पाए, पर उसका कारण यही था कि इतनी भीड़ थी कि हमें हर व्यक्ति को अटेंड करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैं आपसे आज पुनः ये निवेदन करना चाहती हूँ कि, और आपका दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आपने एक दृश्य जो पूरे विश्व में एक दृश्य गया कि ऐसा एक व्यक्ति जिसके लिए कितना महान फ्यूनरल
आप सब हिमाचल प्रदेश के वासियों ने उनको दिया, उनकी अंतिम विदाई लोग कंपेयर करते हैं कि शायद या कोई पैदा हुआ होगा या शायद ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में भी कोई ना होगा जिस जो इतनी ज्यादा तादाद में जिसके लिए लोग एकत्रित हो। लोगों ने अखबारों में भी ये लिखा, पत्रकारों ने अखबारों में भी ये लिखा कि रामपुर का मैदान छोटा पड़ा वीरभद्र की विदाई के लिए। ये बात सच्ची है, बहुत से लोग आते और बहुत से लोग उनकी अंतिम यात्रा में साथ देने के लिए, कंधा देने के लिए खड़े होते, परंतु इतनी भीड़ को देखकर शायद लोग ये समझते थे कि हमारा जाना संभव नहीं है और हमारा वहां तक पहुंचना भी संभव नहीं है। और अगर कोई बड़ा मैदान होता, बड़ा जगह होती तो शायद इससे भी ज्यादा भीड़ झुकती। आज कोरोना का समय है, ये बीमारी से हर व्यक्ति डर से बाहर निकलने का प्रयास करता है, परंतु ऐसे समय में लोगों ने कोरोना को भी दरकिनार किया, इस बीमारी को भी नजरअंदाज किया, पर फिर भी लोग पहुंचे, चाहे वो रामपुर पहुंचे, चाहे उनकी अंतिम यात्रा में उन्होंने भाग लिया, चाहे वो शिमला में भी आए। बहुत से लोग जो वहां नहीं पहुंच सके उन्होंने यहाँ भी आकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की, अपना दुख प्रकट किया। और मैं सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इसमें चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे नौजवान बच्चे हैं, चाहे हमारे उससे भी छोटी आयु के बच्चे हैं, सभी को जब उन्होंने ये खबर सुनी तो सभी को बहुत दिल से पीड़ा हुई। सभी बच्चे, कितने घर थे जहाँ ना चूल्हा जला और ना ही उन घरों में कोई पकवान बना, क्योंकि लोग उस दुख की घड़ी में शायद अपना खाना भी ठीक नहीं समझा लोगों ने। और इसी तरह से हर व्यक्ति ने, चाहे वो बड़ा था, बुजुर्ग था, छोटा था, सभी ने उस दुख की घड़ी में इस बात का एहसास किया कि हम सब एक हैं और हम मिलकर अब एक दूसरे का दुख सुख बांटना चाहते हैं। मैं आपसे पुनः ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने कभी भी अपने आप को असहाय नहीं महसूस करना। ऐसा ना समझना कि आज राज साहब नहीं है हमारे बीच तो हमारा कोई दुख सुनने वाला, हमारी तकलीफ को दूर करने वाला वो व्यक्ति। ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि चाहे मैं हूँ, चाहे विक्रमादित्य है एक MLA के नाते, वो भी सदा तत्पर है आपकी मदद करने के लिए। आप चाहे किसी भी हिमाचल के कोने से आए, कहीं से भी आए, हमारे दरवाजे आपके लिए हरदम खुले हैं। और अगर आप हमें याद करें कि हम नहीं आ सकते, आप आओ, तो हम भी आपके घर द्वार में पहुंचकर आपका दुख तकलीफ दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं अंत में जितने भी हमारे, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी बहुत बड़ा दिल दिखाकर, वो अस्पताल में जब राज साहब थे वहां भी अपनी उपस्थिति दी, उसके बाद वो शिमला भी आए और उसके बाद वो रामपुर भी काफी देर तक रुके, जिसके लिए हम दिल की गहराइयों से सदा उनका धन्यवाद करेंगे कि आपने इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होकर हमारा जो साथ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि उनके जाने के बाद एक स्थिति ऐसी पैदा हुई है जहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसा चाहते हैं कि आप जो हमारा मंडी पार्लियामेंट हलके का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आप आगे आकर हम सबको पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, तो उसके बारे में विचार मनन किया जा रहा है, हम विचार विमर्श कर रहे हैं और देखते हैं जैसी परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पुनः बहुत भारी मन से इसमें आप लोगों को एड्रेस कर रही हूँ, पर मैं समझती हूँ कि अब जैसा मेरा दर्द है वैसे आप सभी का दर्द भी है। इस दर्द की घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए आपसे फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि कभी भी अकेला ना महसूस करें, हम सब आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।